नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ही होगी भाजपा का चेहरा, प्रदेशाध्यक्ष परनामी ने किया दावा। उपचुनाव हार का कारण बताया सोशल इंजीनियरिंग की कमी। हमले के खौफ से घिरा राजस्थान का बसपा विधायक, विधानसभा में पिस्तौल ले जाकर उड़ाया नियमों का मखौल। सादलपुर से हैं विधायक न्यांगली। यमदूत बने ट्रक ने ली 3 बाइक सवारों की जान, वहीं कंटेनर से भिड़ंत में 2 ने तोड़ा दम। बूंदी और भीलवाड़ा में हुए हादसे। और डोडा पोस्ट के 3 तस्करों को दबोचा पंजाब के शातिरों की, 12 में हुई गिरफ्तारी। 49 किलो डोडा पोस्ट की आज जब्त। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने दावा किया है कि अगला विधानसभा चुनाव वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 मार्च को झुंझुनू में होने वाली सभा की तैयारियों को लेकर सीकर आए परनामी ने आज यह बात कही, साथ ही उपचुनाव में हार को लेकर सफाई भी दी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सीएम का चेहरा बदले जाने की चर्चाओं को खारिज करते हुए परनामी ने कहा कि मोदी की सभा के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं। परनामी का कहना था कि इसका पूरा अधिकार मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन इतना जरूर है कि संगठन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि उपचुनाव के बाद प्रदेशाध्यक्ष बदलने की चर्चा भी बनी हुई थी, लेकिन परनामी ने संगठन में परिवर्तन से इनकार किया है। वहीं 3 उपचुनाव में हार के कारणों के सवाल पर परनामी ने कहा कि हार का मुख्य कारण सोशल इंजीनियरिंग की कमी रही। हमने इस पर मंथन किया है और कारणों को जानने के बाद अगले विधानसभा के लिए मिशन 180 तय किया गया है। देखिए, तीनों उपचुनाव में विकास की कहीं कमी नहीं, परंतु कुछ थोड़ा सा सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं अपन चुनाव में, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। तो निश्चित रूप से उसको हम दूर करके सबके साथ चलेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस को इतना उछलने की जरूरत नहीं है। अभी त्रिपुरा में आपने देख लिया, मेघालय में आपने देख लिया, नागालैंड में आपने देख लिया, आज केवल मात्र पूरे देश में कांग्रेस की 4 प्रदेशों में सरकार है खाली, और 20 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज। बिल्कुल नारा पूरा करेंगे, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हम करेंगे, और कांग्रेस मुक्त का मतलब है कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी उनसे मुक्ति दिलाएंगे देश की जनता को। उधर परनामी ने इस मौके पर भाजपा के विधायकों और पदाधिकारियों को भीड़ जुटाने के लक्ष्य दिए और मोदी की सभा पर चर्चा की। राजस्थान के एक विधायक को लगातार हमले का डर सताता है और इसलिए वे हथियार और हथियारबंद जवानों का साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। इस एमएलए का नाम है मनोज न्यांगली, जो चूरू जिले के सादुलपुर सीट से बसपा विधायक है। यह विधायक विधानसभा में पिस्टल लेकर पहुंचने के बाद चर्चा में है। 2 घंटे तक वे सदन में पिस्टल लेकर बैठे रहे, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लगी। न्यांगली सदन के बाहर पिस्टल के साथ कैमरे में कैद हो गए। मामले की विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को भी जानकारी मिल गई है और मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि सदन में मोबाइल तक ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन विधायक पिस्टल के साथ सदन में बैठे रहे। इस घटना ने विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर मनोज न्यांगली ने बाद में माफी मांगते हुए कहा कि गलती से भी पिस्टल लेकर विधानसभा में पहुंच गए और ऐसी गलती दोबारा नहीं की जाएगी। न्यांगली पर कुछ साल पहले हरियाणा की गैंग ने फायरिंग की थी। इस जानलेवा हमले में न्यांगली की आंख में गोली लगी थी। वहीं न्यांगली के भाई की भी हत्या हो चुकी है। मनोज न्यांगली की जान पर खतरा देखते हुए सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दे रखी है और वे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनकर रहते हैं। 5 साल पहले चूरू जिले के राजगढ़ में नकाबपोश कुछ युवकों ने बसपा के पार्टी कार्यालय में घुसकर फायरिंग की थी। इन शातिरों ने विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिंह न्यांगली के भाई मनोज न्यांगली सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया था। उस वक्त मनोज न्यांगली के चचेरे भाई उमेश सिंह ने अंदेशा जताया था कि राजनीति वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये हमला हुआ। 3 साल पहले भाई वीरेंद्र न्यांगली की मौत के बाद मनोज ने इलाके में अपनी पैठ को मजबूत किया था। उधर पुलिस ने इस हमले पर आपसी रंजिश और गैंगवार का अंदेशा जताया था।
बसपा विधायक मनोज न्यांगली पर जेल में शिनाख्त परेड की कार्यवाही के दौरान एक आरोपित हमला भी कर चुका है। इस संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट और तहसीलदार ने आरोपित के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। आरोपित ने विधायक को जान से मारने की धमकी भी दी थी। विधायक मनोज न्यांगली पर फायरिंग करने के मामले में आरोपित की शिनाख्त परेड कार्यवाही होनी थी। जैसे ही आरोपित लुद्दी झावर निवासी सुरेश कुमार की पहचान की तो आरोपित ने विधायक पर हमला कर दिया था। गौरतलब है कि विधानसभा में विधायकों की तलाशी का प्रावधान नहीं है, लेकिन विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन में साफ हिदायत है कि वे किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आ सकते। देखना है कि बसपा विधायक ने नियमों का जो उल्लंघन किया है उसे लेकर कोई कार्यवाही की जाएगी या फिर उनकी माफी ही काफी होगी। राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर भाजपा में मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि तीन में से एक नाम तो पार्टी ने भूपेंद्र यादव के रूप में तय कर लिया है, दो नामों पर अभी मंथन चल रहा है। इस बीच एक नया नाम उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत का चर्चा में आया है। प्रदेश भाजपा से हरी झंडी मिलती है तो राजपाल सिंह शेखावत भी राज्यसभा के उम्मीदवार बन सकते हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक सोमवार को प्रदेश कार्यालय की जगह विधानसभा में मुख्यमंत्री कक्ष में की गई। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर को छोड़कर सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक करीब तीन घंटे चली। इस दौरान राज्यसभा चुनाव पर चर्चा की गई। बताया जाता है कि दो में से एक सीट अनुसूचित जनजाति को भी देने का मन प्रदेश भाजपा ने बनाया है। एक सीट को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता को ही टिकट देगी। आज पहले दौर की बैठक हो चुकी है। कोर कमेटी की बैठक के बाद भी अशोक परनामी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और अन्य प्रमुख नेताओं की देर रात तक भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक चलती रही। राज्यसभा की तीन सीटों पर जीत के लिए एक उम्मीदवार को कम से कम 51 विधायकों के वोट चाहिए। भाजपा के पास तीन सीटों के लिए जरूरी जो मतदान है 153 वोट है। इसके अलावा 6 वोट और हैं और 3-4 निर्दलीय पहले से ही भाजपा के समर्थन करते आए हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं किया है और संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बॉलीवुड से मंगलवार को एक दुखद समाचार सामने आया। अभिनेता इरफान खान को ब्रेन कैंसर का पता चला है। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जयपुर के रहने वाले इरफान को GBM ग्रेड 4 है। डॉक्टरों के अनुसार इसे डेथ ऑन डायग्नोसिस कहा जाता है। यह घातक ब्रेन कैंसर माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निडल बायोप्सी के बाद डॉक्टरों को ट्यूमर की सही स्थिति का पता चल पाएगा। इसके बाद उनकी कीमो कराई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही इरफान ने ट्वीट कर कहा था कि कभी कभी आप एक झटके से जागते हैं। पिछले 15 दिन मेरे जीवन की सस्पेंस स्टोरी है। मैं दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता और अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। कृपया मेरी बीमारी को लेकर अटकलें न लगाएं। एक सप्ताह 10 दिन के भीतर मैं खुद ही आपके साथ अपनी कहानी साझा करूंगा। जब जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तब तक मेरे लिए दुआ करें। राजस्थान में सड़क हादसे लगातार लोगों की जान ले रहे हैं। इसी कड़ी में दो अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बूंदी जिले के चतरगंज बाईपास पर अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह बाइक सवार बूंदी से आ रहे थे। तीनों बाइक सवार जैसे ही चतरगंज पहुंचे एक अनियंत्रित ट्रेलर ने तीनों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। हिंडोली पुलिस ने तीनों के परिजनों को सूचना दे दी है। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया और सड़क पर जाम के हालात बन गए। उधर भीलवाड़ा के पास गुलाबपुरा में एक कंटेनर और मिनी ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में 11 लोग घायल बताए गए हैं जिन्हें भीलवाड़ा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 79 पर कंवलिया वास टोल के पास हुआ, जब अचानक एक मिनी ट्रक और कंटेनर की टक्कर हो गई। मिनी ट्रक में 11 मछुआरे सवार थे जो मुंबई जा रहे थे। गंभीर घायलों में 4 को एम्बुलेंस की मदद से भीलवाड़ा ले जाया गया। वहीं मृतकों के शवों को गुलाबपुरा की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतकों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मरने वालों में एक कंटेनर चालक भी शामिल है।
सभी घायल दिल्ली के मुरादाबाद निवासी बताए जा रहे हैं। बारा के छबड़ा पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पंजाब निवासी 3 अंतरराज्यीय डोडा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 लग्जरी कार समेत 49 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने जब छबड़ा के कटखंडी स्थित गौशाला के समीप एक कार को रोककर तलाशी ली तो कार में सवार शातिर घबरा गए। इनमें पंजाब निवासी हरविंदर सिंह, बूटा सिंह और यादवेंद्र सिंह शामिल थे। पूछताछ और तलाशी लेने पर कार में से 49 किलो अवैध डोडा बरामद किया गया। तीनों गिरफ्तार आरोपियों ने जानकारी दी कि वे डोडा खेरखेड़ा निवासी बबलू से ला रहे थे। नाकाबंदी के दौरान 3 अंतर्राज्यीय डोडा पोस्ट तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक कार और 49 केजी डोडा चोरा पोस्ट बरामद किया। जो ये लोग छबड़ा से हैं, एक बबलू और महेंद्र सिंह राजपूत निवासी खेरखेड़ा नाथुराम के द्वारा ये सप्लाई करना पड़ता है, जिसकी तलाश जारी है और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान जारी है। ये तीनों ही पंजाब के रहने वाले हैं। इसका नाम हरविंदर सिंह, बूटा सिंह और यादविंदर सिंह। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गंगापुर सिटी में एक कोचिंग संस्था प्रधान और स्टाफ सदस्यों द्वारा छात्र और परिजन के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सड़क पर सरेआम हुई इस पिटाई का प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज कराया गया है। जानकारी के अनुसार गांवड़ी कला गांव निवासी नितेश शर्मा कमला हॉस्पिटल के पास संचालित गुरुकुल साइंस एकेडमी कोचिंग में पढ़ता है। वह और उसके मामा गजानंद शर्मा संस्था में फीस जमा कराकर प्रवेश पत्र लेने गए थे और इसी दौरान फीस वसूली को लेकर कहासुनी हो गई। इसके चलते संस्था प्रधान और स्टाफ सदस्यों ने दोनों के साथ लाठियों से बुरी तरह मारपीट की। गजानंद शर्मा कृषि उपज मंडी समिति में 36,000 रुपए की सरसों बेचकर आए थे। आरोप है कि यह रकम भी छीन ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़ितों का मेडिकल मुआयना कराया है। जयपुर में आज सीकर रोड पर एक तेज रफ्तार लो फ्लोर बस ने साइकिल सवार को कुचल दिया। इस हादसे में साइकिल सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं बस चालक फरार हो गया। घटना की सूचना पर मुरलीपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि आज सुबह एक लो फ्लोर बस चालक खेतान अस्पताल के सामने साइकिल सवार को कुचलता हुआ भाग गया। मृतक व्यक्ति 46 साल का ओम प्रकाश बताया जा रहा है, जो कार बाजार में एक दुकान पर काम करता था। पुलिस फिलहाल फरार हुए बस चालक की तलाश में जुटी है। वहीं आसपास के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा ही होगी भाजपा का चेहरा, प्रदेशाध्यक्ष परनामी ने किया दावा। उपचुनाव हार का कारण बताया सोशल इंजीनियरिंग की कमी। हमले के खौफ से घिरा राजस्थान का बसपा विधायक, विधानसभा में पिस्तौल ले जाकर उड़ाया नियमों का मखौल। सादलपुर से हैं विधायक न्यांगली। यमदूत बने ट्रक ने ली 3 बाइक सवारों की जान, वहीं कंटेनर से भिड़ंत में 2 ने तोड़ा दम। बूंदी और भीलवाड़ा में हुए हादसे। और डोडा पोस्ट के 3 तस्करों को दबोचा, पंजाब के शातिरों की 12 में हुई गिरफ्तारी। 49 किलो डोडा पोस्ट किया जब्त। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।